हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर, और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ इट मैटर्स टू यू देन यू विल फाइंड अ वे, बट इफ इट डजंट देन यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। यानी कि अगर कोई चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपने आपके लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना अगर महत्वपूर्ण है, तो आप कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आप चाहे जितना भी मेहनत करने से डरते हो, लेकिन अगर आपके लिए ये एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको सफल करने के लिए अनेकों जतन करेंगे, राइट? लेकिन अगर आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके फिर वही बहाने घिसे पिटे। आपके पास हजारों ढेरों बहाने होंगे, आंख नहीं खुलती, मन नहीं लगता, याद नहीं होता, ऐसे हजारों बहाने होंगे। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, बॉल इज टोटली इन योर कोर्ट। आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। क्या आज से 4 साल 10 साल बाद आप उस सफलता के मुकाम पर पहुंच जाएंगे अगर आप इस वक्त इस एग्जाम को छोड़ देते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। 2 years आफ्टर चीतास वर इंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क, हो रहे हैं 2 साल बाद जब चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश। द कंट्री हैज एटलीस्ट 24 ऑफ बिग कैट्स। तो अब हमारे देश में 2 साल बाद 24 बड़ी बिल्लियां, यानी कि चीतास, 24 चीतास वहां पे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज स्ट्राइप मतलब धारीदार एनिमल्स वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया इन द अर्ली 1950s। तो ये जो एनिमल्स हैं, चीताज हैं, ये हिंदुस्तान से एक्सटिंक्ट घोषित कर दिए गए थे। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुके हैं, हिंदुस्तान में अब इनका नामोनिशान नहीं है। कब घोषित किए गए थे, 1950 के दौरान में। एंड द पॉपुलेशन इन कूनो कुड हेराल्ड द रिवाइवल ऑफ द स्पीसीज इन द कंट्री। और जो कूनो में 2 साल के अंदर 24 बड़ी बिल्लियां हो गई हैं, तो ये जब इनकी संख्या है, पॉपुलेशन, ये हराल्ड मतलब संकेत करती है कि हमारे देश में अब इस प्रजाति को रिवाइव किया जा सकता है, या रिवाइव करना मतलब कि वापस से किसी चीज को लेकर आना। तो यहाँ पे हमारे देश में इस प्रजाति को वापस से लाया जा चुका है। दीज हाउएवर आर स्टिल अर्ली डेज फॉर द प्रोजेक्ट। लेकिन अब अगर कोई भी हम जैसे वैक्सीनेशन वगैरह लगवाते हैं, तो शॉर्ट टर्म, ये 2 साल तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात है ना, लॉन्ग टर्म में उन वैक्सीन के क्या प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि कोरोना के वैक्सीन के साथ में हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में उसमें ब्लड क्लॉट बनने की हमें कई लोगों को समस्या आ रही है। ठीक है, और कई लोग जो इतने सारे अर्ली एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनको भी रिलेट कर रहे हैं इसके साथ में, एसोसिएट कर रहे हैं इसके साथ में। तो कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी वैक्सीन है, उसको इमिडिएटली, तो उसके ऊपर अगर कुछ अच्छा मिल रहा है बेनिफिट, तो हम उसके बेनिफिट सभी जो तुरंत प्रभाव से मिल रहे हैं उनको देख के लॉन्ग टर्म में उनके क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उसके कोई रेपरकशंस हो सकते हैं, उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बोले कि हाँ, 2 साल में 24 बड़ी बिल्लियां हो गई, इनकी प्रजाति, इनकी जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन ये फिर भी प्रोजेक्ट चीता के शुरुआती दिन है, तो हो सकता है कि पहले वृद्धि हो, फिर कुछ हमें गड़बड़ दिखने मिले, राइट? मेनी ग्लिचेस विल नीड टू बी आयर्न आउट। ग्लिचेस मतलब होते हैं परेशानियां, आयर्न आउट करना मतलब सुलझाना। तो बहुत सारी समस्याओं को आगे भी सुलझाना पड़ेगा। एंड लेसन ऑफ द पास्ट 2 years पुट टू गुड यूज बिफोर द प्रोजेक्ट कैन बी कॉल्ड अ सक्सेस। और जो भी हमने पिछले 2 सालों में जो भी गलतियां करी हैं, उनसे जो भी सीख ली है, उसको हम अच्छे तरीके से पुट टू गुड यूज मतलब सही तरीके से उनका प्रयोग कर सके आगे इस प्रोजेक्ट में, तभी हम इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक या सक्सेसफुल कहेंगे। टूडे ऑल द सर्वाइविंग अफ्रीकन एनिमल्स, बोल रहे हैं आज के दिन में जितने भी अब अफ्रीकन एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं, जो अफ्रीका से लाई गई प्रजातियां थी वो सर्वाइव कर रही हैं, इंट्रोड्यूस टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट, जिनको लाया गया था किक स्टार्ट करने, यानी कि शुरुआत करना, किस चीज की शुरुआत, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत करने के लिए जिनको अफ्रीका से लाया गया था। एंड देयर प्रोजनी, प्रोजनी मतलब उनकी बच्चे, उनके आगे ऑफस्प्रिंग्स, लिव इन एक्लिमेटाइजिंग एनक्लोजर। एक्लिमेटाइज मतलब अनुकूल, उनके मौसम के, उनके हर चीज के, प्रोजेक्ट
अनुरूप जो उनको वातावरण मिला है उसके अनुसार वो रह रहे हैं, एनक्लोजर मतलब घेराबंदी में। तो वो एकदम खुले जंगल में नहीं रह रहे हैं, वो एक एनक्लोजर में एक बंद जगह में रह रहे हैं। हालांकि वो जगह काफी खुली है लेकिन वो एक जंगल नहीं है। अगर इनको सवाना के जंगलों में से लेकर आए हैं तो वहां पे इनके दायरे बहुत ज्यादा है, लिमिटेड नहीं है। बट क्योंकि हमारे देश में जैसे अब ये नेशनल पार्क का हिस्सा है तो वहां पे कुछ लिमिटेड एनक्लोजर के अंदर रहते हैं, लिमिटेड दायरे के अंदर, सीमा के अंदर रहते हैं, लेकिन उस सीमा को उनके अनुरूप बनाया गया है। ठीक है, चीतास आर फ्री रेंजिंग प्रेडेटर। फ्री रेंजिंग मतलब आराम से घूमने वाले, फ्रीली घूमने वाले। प्रेडेटर्स मतलब शिकारी। तो चीता जो है वो खुले में घूमने वाले शिकारी हैं। द टेस्ट ऑफ देयर सर्वाइवल इज इन द वाइल्ड। तो असल में ये चीता यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसका वास्तविक आकलन तब होगा जब इनको जंगल में छोड़ा जाएगा, वाइल्ड में छोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी तो ये कन्फाइंड स्पेसिस में है ना, तो वहां पे तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जंगल में इनके साथ में दूसरे प्रेडेटर्स भी होंगे जो जिस प्रे के ऊपर ये निर्भर करते हैं, जो इनका मुख्य सोर्स होगा भोजन का, उसके ऊपर वो भी निर्भर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर किसी भी जगह पे उस उनके प्रे की मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी प्रेडेटर का सर्वाइव कर पाना। ठीक है, क्रिएटिंग, क्योंकि जंगल जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे चलता है। ठीक है, जंगल आपके ऊपर दया नहीं दिखाता, जो नेचर है हम वहां पे इंसानियत और ये सब चीजें नहीं देखी जाती। राइट, क्रिएटिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन विल रिक्वायर वीनिंग अवे अ सिग्निफिकेंट नंबर फ्रॉम प्रोटेक्टिव केयर। तो अगर हमें एक सेल्फ सस्टेनिंग यानी कि खुद से आगे जो पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है या बढ़ेगी, अगर हमें वो बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीनिंग अवे। वीनिंग अवे मतलब उनको दूर करना पड़ेगा। किससे दूर करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट नंबर फ्रॉम प्रोटेक्टिव केयर, यानी कि उनको जो हमने इस घेराबंदी में एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखा हुआ है उससे काफी मात्रा में हमें चीताओं को बाहर निकालना पड़ेगा। पूनोस लास्ट फ्री रेंजिंग चीता 7 ईयर ओल्ड पवन रिपोर्टेडली ड्राउंड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इन ऑगस्ट। तो कूनो नेशनल पार्क में जो फ्री रेंजिंग मतलब जो खुले में रखा गया चीता था, जो कि एक 7 साल का चीता था जिसका नाम था पवन, वो कथित तौर पे बड़ी ही संदिग्ध कंडीशंस में, रहस्यमय कंडीशंस में डूबा हुआ मिला। अगस्त के महीने में डूब के मर गया। द 8th एडल्ट एनिमल ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका। और ये 8वां व्यस्क चीता था जो कि अफ्रीका से लाया गया था टू डाई सिंस द प्रोजेक्ट कमेंस्ड। और ये 8वां चीता था जो अफ्रीका से लाया गया था जिसकी मौत हो गई थी जब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। क्वेश्चंस अबाउट ब्रीडिंग द बिग कैट इन एलियन कंडीशंस हैव डॉज्ड प्रोजेक्ट चीता सिंस इंसेप्शन। तो बोल रहे हैं इस बात के सवाल कि इनकी जो ब्रीडिंग है, रिप्रोडक्शन है इन बड़ी बिल्लियों की, इनको एलियन कंडीशंस यानी कि ये सवाना से लाए गए हैं, हिंदुस्तान में इनकी ब्रीडिंग कराई जा रही है, तो इस सवाल को, ये सवाल हमेशा से परेशान करता है जब से इस प्रोजेक्ट चीता का इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब कि शुरुआत हुई है, डॉज डॉज मतलब कि परेशान करना। इंडिया वॉज होम टू एशियाटिक चीतास एंड नॉट द अफ्रीकन सब स्पीशीज दैट वर इंट्रोड्यूस इन 2022। बोल रहे हैं हिंदुस्तान जो है एशियाटिक प्रजाति के चीतास का घर था, ना कि अफ्रीकन सब स्पीशीज का, जिनको कि 2022 में इस प्रोजेक्ट चीता के तहत हिंदुस्तान में लाया गया। द क्रिटिसिज्म वॉज एम्प्लीफाइड आफ्टर पवन्स डेथ। और ये जो क्रिटिसिज्म है ये और ज्यादा बढ़ गया जब पवन जो चीता 7 साल का मरा था डूब के, उसकी मौत के बाद में क्रिटिसिज्म और ज्यादा बढ़ गया। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोब द इंसिडेंट वॉज डिसबैंडेड इन लेस देन अ डे। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई जो कि क्या करना था, गठन किया गया जो कि इस पूरे हादसे की जांच करने वाली थी, लेकिन उसको एक दिन से भी कम समय के अंदर अंदर ही डिसबैंड कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया, भंग कर दिया गया। द प्रोजेक्ट नोडल बॉडी हैज नॉट येट गिवन अ कन्विंसिंग आंसर फॉर दिस हास्टी डिसीजन। बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट का जो नोडल बॉडी है, नोडल बॉडी मतलब सेंट्रल बॉडी, जो केंद्रीय बॉडी है, उसने अभी तक कोई भी कन्विंसिंग मतलब कि जो हमें संतुष्ट कर सके ऐसा संतुष्ट जवाब नहीं दिया है इस हैस्टी डिसीजन के पीछे। हैस्टी मतलब जो जल्दबाजी में एक कमिटी बना के उसको रद्द कर दिया गया, इसके पीछे का उन्होंने जवाब नहीं दिया।
Experts have alleged that the episode testifies to the persistent lack of transparency around Project Chitha. तो ये घटना, experts का कहना है कि ये घटना इस बात को जाहिर करती है कि लगातार इस प्रोजेक्ट चीता में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पारदर्शिता की कमी है ना, तो इस बात की तरफ इशारा करती है और इसके उन्होंने आरोप भी लगाए हैं इसके ऊपर, प्रोजेक्ट चीता के ऊपर, कि भाई इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें अपनी मनमर्जी से कुछ काम चल रहा है, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए. NTCA has also been called out for shifting goalposts in the past 2 year. Goalpost क्या होता है? आपने गोल बनाया है ना, गोल पोस्ट होता है जो फुटबॉल में नहीं होता, जिसके एक ऐसे बैसनेट सा होता है, इसके स्टील का कुछ स्ट्रक्चर सा होता है, इसके अंदर नेट लगी होती है, बाहर की तरफ इस तरीके से नेट लगी होती है और इसके अंदर गोल किया जाता है, ठीक है, तो इसको गोल पोस्ट बोलते हैं. तो गोल पोस्ट में मतलब है कि आपका जो गोल है, तो बोल रहे हैं कि NTCA ने इसके अपना जो गोल था पिछले 2 सालों में वो भी शिफ्ट करा है. शिफ्ट करा है मतलब कि आगे मूव करा है, नियम कुछ बदले हैं उसके लिए. प्रोजेक्ट चीतास ओरिजिनल गोल टू एस्टैब्लिश अ फ्री रेंजिंग ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ चीतास इन एंड अराउंड कूनो फॉर इंस्टेंस हैज बीन डायल्यूटेड टू मैनेजिंग अ मेटा पॉपुलेशन थ्रू असिस्टेड डिस्पर्सल. बोल रहे हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रोजेक्ट चीता का जो ओरिजिनल गोल था वो ये था कि एक फ्री रेंजिंग ब्रीडिंग पॉपुलेशन चीतास की, फ्री रेंजिंग मतलब खुले में चीतास की पॉपुलेशन सस्टेन कर पाए कूनो नेशनल पार्क और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, उसको यहाँ पे उनका ये उद्देश्य था. लेकिन ये चेंज करके क्या कर दिया गया, इसको क्या किया जाए, सिर्फ मैनेज करने तक सीमित रखा जाए मेटा पॉपुलेशन. मेटा पॉपुलेशन मतलब कि जो इनका पॉपुलेशन का समूह है उसको असिस्टेड डिस्पर्सल, असिस्टेड डिस्पर्सल मतलब सहायक, मदद की जा रही है इंसानी तौर पे उसमें कि कितनी तक इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, कहाँ उनको मदद की जरूरत है, तो असिस्टेड यहाँ पे सब कुछ कार्य हो रहा है. लेकिन उद्देश्य क्या था कि फ्री रेंजिंग हो, उनके अंदर कोई भी इंसानों का हस्तक्षेप ना हो, बाहर वो अपने आप जो भी ब्रीडिंग उनकी तरीके हैं उसको करें, सर्वाइव करें, ठीक है. लेकिन ये क्या हो गया, अब इसमें मैनेज करने की बात हो गई कि हमें मदद करनी पड़ेगी, तो वो भी करेंगे. कोर्स करेक्शंस शुड बी पार फॉर द कोर्स इन एनी प्रोजेक्ट. बोल रहे हैं कोर्स करेक्शन जो होता है, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट्स या मॉडिफिकेशंस होते हैं, शुड बी पार फॉर कोर्स का मतलब होता है कि सामान्य होना चाहिए. कोर्स करेक्शन कोई भी प्रोजेक्ट है, अब हमने पहले उद्देश्य बनाया कि मेरा, मैंने अपना घर का बजट बनाया मान लो 10,000 का, राइट, तो लेकिन अब महंगाई बढ़ गई, उसके अकॉर्डिंग मेरा घर का बजट हिल के 12,000 हो गया, तो प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है. अब ये तो बजट की बात होगी, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें हम जो टेंडर्स देते हैं, तो उन टेंडर्स में भी प्लस माइनस की कैपेसिटी उन्होंने पहले ही प्रोजेक्ट करी होती है, ठीक है, तभी वो अपना प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए तो उस हिसाब से वो चलते हैं, राइट. तो कोर्स करेक्शन तो होना चाहिए, सामान्य बात होनी चाहिए. That aims to create a sustainable population of animals from scratch. किसकी तरफ होना चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें कि हम एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन, किसी भी जानवर की सस्टेनेबल पॉपुलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ पॉपुलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल जीरो से, तो उसमें कोर्स करेक्शन सामान्य होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम्स एलिंग प्रोजेक्ट चीता कैन नॉट ऑलवेज बी टर्म्ड एज टीदिंग ट्रबल्स. लेकिन जो भी परेशानियां इस प्रोजेक्ट चीता के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनको हम हमेशा टीदिंग प्रॉब्लम्स यानी कि शुरुआती समस्याओं का नाम नहीं दे सकते, ठीक है. अ लार्ज मेजर्स ऑफ दीज स्टेम्स फ्रॉम दी अथॉरिटीज नॉट गिविंग एडिक्वेट रिस्पेक्ट टू एक्सपर्ट ओपिनियन. अब इसमें से कई सारे जो तरीके हैं, कई सारी जो परेशानियां हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, कि हिंदुस्तान में हमारी अथॉरिटीज ने जो एक्सपर्ट ओपिनियन था उसको तवज्जो नहीं दिया, उसको पर्याप्त मात्रा में रिस्पेक्ट नहीं किया. एक्सपर्ट्स ने कुछ सुझाव दिए होंगे, कुछ चिंताएं जाहिर की होंगी, उनको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया. लास्ट ईयर फॉर इंस्टेंस अ रिपोर्ट इन दिस पेपर हाईलाइटेड द NTCA's रिलक्टेंस टू टेक ऑन बोर्ड द व्यूज ऑफ द साउथ अफ्रीकन एंड नामीबियन साइंटिस्ट बिहाइंड द ट्रांसलोकेशन.
जैसे कि उदाहरण के तौर पे पिछले साल इसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें रेखांकित किया गया था, हाईलाइट किया गया था कि एनटीसीए जो है काफी रिलक्टेंट है, यानी कि अनिच्छुक है कि वो ऑनबोर्ड करे मतलब शामिल करे, किस चीज को शामिल करे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके ओपिनियन को कि इस ट्रांसलोकेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो चीतास को ट्रांसफर किया जा रहा है उससे जुड़े हुए जो उनके ओपिनियंस थे, जो उनके व्यूज थे, उनको नजरअंदाज किया गया। स्टडीज हैव ऑल्सो रिवील्ड दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अंडर प्रिपेयर टू डील विद द बेस ऑफ द अफ्रीकन एनिमल्स। स्टडीज में ये बात भी सामने आई कि हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि वो इस अफ्रीकन एनिमल के तरीकों से डील कर सके। अब जाहिर सी बात है, अलग एरिया से आता है ये जानवर, अलग एनवायरनमेंट से आता है, तो उसका हंट करने का तरीका, वहां पे प्रे अलग होगा, यहाँ पे प्रे अलग होगा, उसकी लाइकिंग्स अलग होंगी, डिसलाइक्स अलग होंगी, सर्वाइवल स्किल्स अलग होंगी, तो उनके साथ में डील करने के लिए हमारी यहाँ की अथॉरिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो तैयार नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे। इन द कमिंग मंथ्स एज प्रोजेक्ट चीता प्लान्स टू मूव बियॉन्ड कूनो टू गांधी सागर सेंचुरी ऑल्सो इन एमपी हो रहे हैं। अब आने वाले महीनों में, जैसे कि हमें पता है कि प्रोजेक्ट चीता जो है अब वो कूनो नेशनल पार्क से आगे बढ़ के गांधी सागर सेंचुरी तक जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि गांधी सागर सेंचुरी भी एमपी में ही है। द एनटीसीए हैज इट्स टास्क कट आउट। तो एनटीसीए जो है उसने का जो आगे कार्य है वो बड़ा कठिन हो जाएगा। हैज इट टास्क कटआउट का मतलब होता है उसका कठिन कार्य करना है, उसका आगे का कार्य जो है वो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ये था पैसेज। एक प्रोजेक्ट चीता हमने 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और हिंदुस्तान से ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी चीता की प्रजाति को रिवाइव करने के लिए। उसके ऊपर करंट अब लेटेस्ट अपडेट आया है कि 24 तक उनकी पॉपुलेशन हो गई है, और लेकिन उसके साथ साथ में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं सामने वो भी देखा गया है। ठीक है। Based on the passage, which of the following can be inferred as a potential challenge for Project Cheetah? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा पैसेज के अनुसार एक संभावित चैलेंज है, परेशानी है प्रोजेक्ट चीता के लिए। फर्स्ट है, द इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका हैज बीन एंटायरली सक्सेसफुल। तो इनकरेक्ट है। शुरुआत में जब हमने ये प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था, अफ्रीका से जब चीतास लाए गए थे तो कई सारे चीतास जो है वो अडाप्ट नहीं कर पाए थे, उनकी डेथ हो गई थी। राइट। तो ये इनकरेक्ट है पूरी तरीके से। हम इसको सक्सेसफुल, और क्योंकि ये अभी शुरुआती फेज है तो अभी इतना जल्दी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि हाँ जी सफल हो गए, सफल हो गए, क्योंकि आगे फ्यूचर में लॉन्ग रन में कैसे सर्वाइव करेंगे। अभी इनको एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर रखा गया है, फ्यूचर में जब इनको जंगल के इलाके में छोड़ा जाएगा, वाइल्ड में छोड़ा जाएगा, तो वहां पे उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कैसे काम करेंगी, किस तरीके से ये उस अडाप्ट माहौल में अडाप्ट कर पाएंगे, वो सब देखने वाली बात होगी। ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। द चीतास इंट्रोड्यूस्ड आर ब्रीडिंग वेल इन कूनो नेशनल पार्क। हो रहे हैं कि चीता जो है कोनो नेशनल पार्क में उनका प्रजनन सही से हो रहा है, तो ये तो चैलेंज नहीं है ना, ये तो अच्छी बात है, पोटेंशियल चैलेंज थोड़ी हुआ, तो इनकरेक्ट है। द सर्वाइवल ऑफ चीतास इन द वाइल्ड इज स्टिल अनसर्टन। बिल्कुल करेक्ट है। यही चुनौती है कि फ्यूचर में ये चीतास किस तरीके से जंगल में सर्वाइव कर पाएंगे, वाइल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसके लिए अभी हम श्योर नहीं है, अनसर्टन है, क्योंकि अभी जहां पे ये कन्फाइंड एरिया में है तो ये सही कर रहे हैं। और जो एक फ्री रेंजिंग, जो लास्ट फ्री रेंजिंग हमने चीता रखा था पवन, उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि अब ये चीता आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉश्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो पैसेज के अनुसार डॉश्ड का क्या मीनिंग है? डॉश्ड का मीनिंग है कंटिन्यू, ट्रबल, कोई परेशानी कंटिन्यू करना। ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे मीनिंग बताना है। फर्स्ट है परसिस्टेंट, ए परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब किसी चीज का निरंतर होना। चेस्ड मतलब किसी के पीछे भागना। एनॉयड मतलब किसी को परेशान करना, परेशान होना। सपोर्टेड यानी कि किसी को सपोर्ट करना, उसका साथ देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए परसिस्टेंट इज करेक्ट। विच इडियम फ्रॉम द ऑप्शन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स द करंट सिचुएशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता एज मेंशन्ड द पैसेज। यानी कि जो निम्नलिखित इडियम्स दिए गए हैं उनमें से प्रोजेक्ट चीता की
स्थिति को कौन सा इडियम करेक्टली डिफाइन करता है? एट अ क्रॉस रोड, क्रॉस रोड मतलब दुविधा में होना, तो ये दुविधा में तो है नहीं। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि छोटी सी चीज की बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाना, ये वो भी चीज नहीं है। ऑन अ थिन आइस, थिन आइस का मतलब होता है बहुत ही रिस्की कंडीशन, तो ये बिल्कुल बहुत ही रिस्की कंडीशन है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज, बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। प्रोजेक्ट चीता ओरिजिनली एम टू एस्टैब्लिश अ फ्री रेंजिंग ब्रीडिंग पॉपुलेशन इन एंड अराउंड पुनो, ये तो करेक्ट है, यही चाहते थे ना प्रोजेक्ट चीता, चीता का मुख्य उद्देश्य तो यही था। हालांकि बाद में कोर्स करेक्शन करके फ्री रेंजिंग की बजाय मैनेजिंग करने का बात कर दी गई, ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में मैनेजिंग करने की बात की थी, तो ये तो करेक्ट है। NTCA has fully incorporated expert opinions from South African and Namibian scientists. Incorrect है, NTPCA ने उनके सुझावों को ऑनबोर्ड नहीं किया, राइट? तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, बिकॉज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट स्टेटेड इन द पैसेज, इनमें से कौन सा जो है वो एक फैक्ट है जैसा कि पैसेज में कहा गया है, यानी कि करेक्ट है। द NTCA हैज नॉट मेड एनी चेंजेस टू प्रोजेक्ट चीता इन 2 ईयर्स, इनकरेक्ट है, कोर्स करेक्शन हुआ है, राइट, उन्होंने चेंजेस किए हैं तो ये करेक्ट है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड टू हैंडल अफ्रीकन चीतास, इनकरेक्ट है, पैसेज में राइटर ने कहा है कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए, सो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। NTCA's करंट गोल इज टू एस्टैब्लिश अ मेटा पॉपुलेशन विदाउट असिस्टेंस, बोल रहे हैं कि करंट उद्देश्य उनका ये है कि मेटा पॉपुलेशन बनाए विदाउट असिस्टेंस, तो विदाउट असिस्टेंस नहीं है, विद असिस्टेंस है, इनकरेक्ट है। कोर्स करेक्शंस आर पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट एमिंग टू क्रिएट सस्टेनेबल एनिमल पॉपुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऐसा पैसेज में कहा गया है कि ये होना भी चाहिए और होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैरा जंबल का क्वेश्चन है, इंडिया जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स होप टू कन्वे एज दे प्रिपेयर फॉर समिट, तो इंडिया जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ये उम्मीद करते हैं दर्शाने की, कन्वे करने की, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहे हैं समिट के लिए सितंबर 21 टू 23, 21 से 23 सितंबर के बीच में समिट होना है इन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेंस होम स्टेट ऑफ डेलावेयर ऑन सैटरडे, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर में होना है सैटरडे को, ठीक है, तो वहां पे वो कुछ कन्वे करने की बात करें। द क्वाड इज वॉबली, क्वाड मतलब चार, चार का समूह जो है वो वॉबली है, वो वॉबली है मतलब परेशान है, कुछ परेशानियों से जूझ रहा है। अ यूनाइटेड ग्रुप ऑफ डेमोक्रेसी स्टैंडिंग फर्म इन द फेस ऑफ रीजनल चैलेंजेस, तो ये डेमोक्रेसीज का एक संगठित ग्रुप है जो कि बड़ी दृढ़ता से खड़ा है रीजनल चैलेंजर्स के तौर पे, ठीक है। एज अ पीस ऑफ डिप्लोमेटिक फर्नीचर, एक डिप्लोमेटिक फर्नीचर के पीस के तौर पे, यानी कि डिप्लोमेटिक एक प्रणाली के तौर पे, कार्य के तौर पे, फोर लेग्स इम्प्लाय स्टेडीनेस, चार जो टांगे होती हैं किसी भी फर्नीचर की, जैसे कि टेबल है या चेयर है, वो दर्शाती हैं स्टेडीनेस, यानी कि चार, अगर टेबल की एक भी लेग अगर उबड़ खाबड़ है तो वो टेबल स्टडी नहीं होगा ना, वो हिलता डुलता रहेगा, ठक 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 की आवाज आती रहेगी, उसमें से आप कुछ लिखने जाएंगे तो वो मूव करेगा, राइट, तो वो स्टडी नहीं है, तो स्टेडीनेस को दिखाने के लिए फोर लेग्स होनी चाहिए। एंड दैट इज सर्टनली व्हाट द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया के आगे इनकम्प्लीट है, और जाहिर तौर पे यही जो लीडर्स है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के वो कन्वे करने का प्रयास करेंगे, तो यानी कि डी के बाद में ए स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। द क्वाड, क्वाड बोला गया यानी कि चार देशों का समूह, तो क्वाड कौन कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि बी में इसका इंट्रोडक्शन आया, तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। अब अगर मान लो कि आपको ये नहीं भी समझ में आता कि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, आपने ये करेक्शन बनाया डी के बाद में ए, डी के बाद में ए, ए डी से पहले, ए डी से पहले, ए डी से पहले, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमारे पास दो कनेक्शन है, बी फर्स्ट स्टेटमेंट, डी के बाद में ए सी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रीज आर डैश
बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, जब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बता रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या आएगा, द बेस्ट। तो ट्रीज जो है वो सबसे खूबसूरत तोहफा है, सबसे बेस्ट तोहफा है प्रकृति का हमारे लिए। दे मेक द एनवायरमेंट ब्यूटिफुल एंड क्लीन, वो हमारे पर्यावरण को खूबसूरत भी बनाते हैं और साफ सुथरा भी बनाते हैं, हमें साफ स्वच्छ हवा भी देते हैं। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्पिंग ट्रीज ग्रो, बोल रहे हैं वाटर और सनलाइट जो है वो पेड़ों के लिए बहुत जरूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। ह्यूमन बीइंग्स गेट फूड फ्रॉम ट्रीज, इंसानों को पेड़ों से खाना मिलता है। ट्रीज ऑल्सो गिव अस वुड एंड शेड, और पेड़ हमें लकड़ी भी देते हैं और छाया भी देते हैं। हाउसेस चेयर्स एंड टॉयज डैश फ्रॉम वुड वी रिसीव फ्रॉम ट्रीज, आर मेड फ्रॉम हो सकता है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हो सकता है, ठीक है। तो हाउसेस हो गए, चेयर्स हो गए, टॉयज हो गए, वो उस लकड़ी से बनाया जाता है जो हमें पेड़ों के जरिए मिलती है। ट्रीज कैन बी कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड, तो हम पेड़ों को मानवता का सबसे बेस्ट फ्रेंड का कह सकते हैं। मैनी मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रोन डैश ट्रीज, तो ग्रोन ऑन ट्रीज होगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका भोजन पेड़ की पत्तियां, पेड़ के ऊपर लगे हुए फल फूल जो पेड़ के ऊपर लगते हैं वो होता है। दे ऑल्सो लिव इन द शेडोज ऑफ ट्रीज, और कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ों के ऊपर घर बना के रहते हैं, कई सारे ऐसे जानवर हैं जो पेड़ की छाया में रहते हैं, राइट। वी डैश कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर, तो हमें वी आर कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर तो नहीं होगा ना कि हम पेड़ों नेचर को बचाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये तो संभावना नहीं है। वी शुड स्टॉप कटिंग हो सकता है कि वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए अगर हमें नेचर को बचाना है तो। चिल्ड्रन एंड एडल्ट नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टीच ईच अदर टू स्टॉप कॉजिंग हार्म टू डैश, तो बोल रहे हैं कि बच्चे बूढ़े जो कोई भी हो गए उनको और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और दूसरे लोगों को भी समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि भाई उन पेड़ों को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। वन ट्री कैन सेव मैनी लाइफ, एक पेड़ जो है बहुत सारी जानें बचा सकता है। इसीलिए मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबका बर्थडे है तो आप अपने बर्थडे पे केक्स वगैरह तो कट करते ही हैं, 50-100 रुपए का, 1000 रुपए का एक प्लांट लाके आप लगाइए, पौधा एक लगाइए, पेड़ जो बने आगे 5-10 सालों में पेड़ बने तो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा एक सीख छोड़ के जाएंगे, उनके लिए आप बहुत अच्छी चीज छोड़ के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हम जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, तो पेड़ लगाना ही सबसे बड़ा हमारा योगदान रहेगा उस एयर पॉल्यूशन को या फिर क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए, ट्रीज आर डैश बेस्ट गिफ्ट ऑफ द नेचर, एन बेस्ट के साथ में ब की साउंड आ रही है तो एन तो नहीं आएगा, बट नो आर्टिकल भी नहीं होगा, या तो द होगा या अ होगा, तो ट्रीज आर अ बेस्ट गिफ्ट नहीं होगा, द बेस्ट गिफ्ट सबसे नायाब तोहफा है ना, और सबसे जब बता रहा है सुपरलेटिव डिग्री बताना है तो द आ जाएगा। हाउसेस चेयर्स एंड टॉयज डैश फ्रॉम वुड वी रिसीव फ्रॉम ट्रीज, तो वो बनाए जाते हैं विल मेड, विल मेड नहीं होगा, हैड मेक नहीं होगा, वॉज मेक नहीं होगा, आर मेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स, बहुत सारे जानवरों को अपना खाना जो है वो पेड़ों के पत्तियों से, फल फूल से जो उनके ऊपर उगता है। ग्रोन ऑन ट्रीज फॉर ट्रीज, पेड़ों के लिए उगता है, पेड़ों के बाहर उगता है, पेड़ों पे उगता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑन ट्रीज। दे ऑल्सो लिव इन शेडोज ऑफ ट्री, वो जानवर है वो उनकी छाया में भी रहते हैं। वी डैश कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर, शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टीच ईच अदर टू स्टॉप कॉजिंग हार्म टू देम या हार्म टू नेचर, तो हार्म टू देम तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में है नहीं। नर्चरिंग, नर्चरिंग मतलब जो पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नर्चरिंग। नेचर, नेचर मतलब हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए, इस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नर्चर ये भी पोषण करने की बात है, और नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो हमें नेचुरल को नहीं हार्म करना है, नर्चर को हार्म नहीं करना है, नर्चरिंग को हार्म नहीं करना है, हमें नेचर को हार्म नहीं करना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सडन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज लेड टू अ डिसएरे, बोल रहे हैं अचानक से जो दो देशों के बीच में युद्ध डिक्लेयर हो गया उसने क्या किया, एक डिसएरे कर दिया। डिसएरे मतलब डिसऑर्डरली सिचुएशन, यानी कि डिसऑर्डरली मतलब अव्यवस्थित तरीके से कुछ स्थिति पैदा कर दी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
चेस्ट, चेस्ट का हमें सिनोनिम बता रहा है। चेस्ट का मतलब होता है बड़ा ही पवित्र, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फर्स्ट है फ्लैशी, फ्लैशी मतलब कि चमकदार, प्योर, प्योर मतलब कि एकदम साफ सुथरा, शुद्ध, पवित्र, करप्ट, करप्ट मतलब दूषित, भ्रष्ट, सलेड, सलेड का मतलब होता है कलंकित, तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्योर इज करेक्ट। दिस गन शुड बी हैंडल्ड विद केयर एंड डैश केप्ट एट आर्म्स लेंथ, यानी कि हाथ भर की दूरी पे रखी जानी चाहिए। मिंस द मैटर्स, मिंस द मैटर्स मतलब मुख्य मुद्दे से बचकर इधर उधर की बातें लेकर जाना, ठीक है। निप इन द बड, निप इन द बड मतलब शुरुआत में ही किसी की समस्या को खत्म कर देना। शॉर्ट फॉर सेफ्टी यानी कि वैक्सीनेशन, यहाँ पे ऑप्शन ए केप्ट एट आर्म्स लेंथ, यानी कि ये जो गन है इसको बहुत ही सावधानी से आपको हैंडल करना चाहिए और इसको एक हाथ की दूरी पर आपको खुद से रखना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ऑल इंस्टेंसेस, अब यहाँ पे चार पार्ट्स में जो सेगमेंट है, लाइन है, वो स्टेटमेंट है, वो टूटी हुई है, उसमें से किस सेगमेंट में स्पेलिंग एरर है हमें वो बताना है। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओनली। बोल रहे हैं कि कितनी भी परेशानियां, अब एक फैमिली में भी होता है कि कितनी भी परेशानी की समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी जटिल समस्या हो, लेकिन हमारा सारा गुस्सा जो है एक व्यक्ति के ऊपर निकल जाता है। ऑफिसेज में भी कई बार ऐसा होता है कि बॉस किसी दूसरी बात से गुस्सा होंगे, लेकिन एक उनका सॉफ्ट टारगेट होगा जिसके ऊपर वो सारी अपनी भड़ास निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। फ्रस्ट्रेशन मतलब परेशानी, हताशा, FRUSTRATION, ना कि SION, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस इन हिज ऑफिस। इम्प्रूव मतलब बेहतर करना, सुधारना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मतलब एकदम क्लियरली डिफाइन करना। स्पॉयल मतलब खराब करना, बिगाड़ना। स्पैटर मतलब छींटे मारना, और स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब भी छिड़कना या छींटे मारना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी स्पॉयल इज करेक्ट। डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर विदाउट द लिफ्ट एंड एन इंक्लाइन इज इनक्रेडिबली फूलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बोल रहे हैं कि आपको किसी बिल्डिंग के 10वें माले पे एक फर्नीचर आइटम लेकर जानी है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में ना तो लिफ्ट है, ना ही कोई रैंप, इंक्लाइन मतलब कि रैंप जैसी कोई चीज है। अब रैंप पे आप घसीट के उसको ले जा सकते हैं, ड्रैग करके नीचे, टायर्स लगा के ड्रैग करके आराम से ले जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों से कोई फर्नीचर आइटम को आपको दो लोगों को लेके जाना पड़ेगा या तीन लोगों को लेके जाना पड़ेगा 10वें माले तक, तो ये निहायत ही बेवकूफी पूर्ण है और इम्पॉसिबल है। तो अब इसके लिए हमें करेक्ट इडियम ढूंढना है। फर्स्ट है लाइक अ ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट, यानी कि ऐसा व्यक्ति या वस्तु है जिसको उसके कार्यों से, उसके कर्मों से, उसके फीचर से, किसी चीज से जाना जाता है। लाइक गोइंग बिटवीन द बार्क एंड ट्री, यानी कि किसी के व्यक्तिगत चीजों में, बातों में घुसना। लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, यानी कि अब बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण या फिर इम्पॉसिबल चीज करना। एज टाइट एज द बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि बहुत ही ज्यादा कंजूस होना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री इज करेक्ट। ग्रेटा थनबर्ग टिरेड अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन शॉक द वर्ल्ड लीडर्स। अब टिरेड का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा किसी की आलोचना वाला भाषण देना, ठीक है, लंबी स्पीच देना। तो इसका मीनिंग यहाँ पे बताना है इनेट लिबरल ओपिनियन, इनकरेक्ट है। डिबेटेबल अकाउंट, इनकरेक्ट है। लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चीयरफुल, चीयरफुल मतलब बड़ा ही हसमुख, बड़ा ही खुश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास। जॉयफुल मतलब खुशी वाला, आनंद में। हिलेरियस मतलब बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी वाला। अगेन सनी, सनी मतलब कि धूपदार, यानी कि ब्राइट। तो यानी कि केवल ऑप्शन ए ग्लूमी है जो एंटोनिम एक्ट कर रहा है चेयरफुल का। इफ यू बिहेव वेल एंड एग्जिबिट गुड मैनर्स देन पीपल विल बी लाइकली टू रिमेम्बर यू इन अ पॉजिटिव वे। अब जब हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको याद रखा जाएगा, तो पीपल आर लाइकली, विल बी लाइकली नहीं होगा, क्या होगा? आर लाइकली टू रिमेम्बर यू, ठीक है। तो पीपल आर लाइक रिमेम्बर यू, ये तो इनकरेक्ट है। पीपल लाइकली यू रिमेम्बर, इनकरेक्ट है। पीपल आर लाइकली टू रिमेम्बर यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि वो संभवतः आपको याद रखेंगे अगर आपका अच्छा व्यवहार होगा तो।
This makes readers contemplate the motives people have for performing acts of charity. अब कंटेम्पलेट का मतलब होता है कि किसी की आप विचार कर रहे हैं, किसी बात के ऊपर गहन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से, अब कुछ आगे स्टेटमेंट होगा, कुछ आगे बात होगी, उसकी वजह से जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं या पाठक हैं, वो लोगों के जो चैरिटी एक्ट करते हैं उसके पीछे के मंशा के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। कई दफ़ा क्या होता है, अब कई सारे इंस्टाग्राम्स पे अपने रील्स वगैरह या शॉर्ट्स यूट्यूब पे देखे होंगे, उसमें कुछ लोग एक्ट करते हैं कि वो बंदा कोई भिखारी सा है, वो अपने चिप्स के पैकेट वगैरह मतलब डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा है, और कोई आके उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें देता है और फोटो खींचता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें, तो यानी कि वो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है फॉलो, फॉलो मतलब किसी को परस्यू करना, किसी को कुछ मनाने की कोशिश करना या उससे कुछ जानकारी लेना। ओवरलुक, ओवरलुक मतलब कि नज़रअंदाज करना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टेट, अंडरस्टेट का मतलब होता है बहुत ही कम किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना। और डेविएट मतलब भटक जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ओवरलुक इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर कंटेम्पलेट। इट वॉज हर हु फर्स्ट सॉ द क्रिमिनल। अब जब हम सब्जेक्टिव केस में शी और हर दोनों ही क्या है, प्रोनाउन है। किसके प्रोनाउन है? विमेन के, ठीक है, लड़की के, फीमेल के प्रोनाउन से। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव केस में बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस में हमारा सेंटेंस होगा हमें इस प्रोनाउन की जरूरत एज अ फीमेल, प्रोनाउन की जरूरत सब्जेक्टिव केस में होगी, तो हर की बजाय क्या आएगा? शी। इट वॉज शी हु फर्स्ट सॉ द क्रिमिनल, यानी कि उसने सबसे पहले क्रिमिनल को देखा था। देखने का कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा? किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? शी। और किसके ऊपर किया जा रहा है देखने का कार्य? क्रिमिनल के ऊपर, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बॉक्सर वॉज नॉक्ड आउट कोल्ड बाय अ पावरफुल पंच टू द जॉ। नॉक्ड आउट कोल्ड का मतलब होता है किसी को ऐसा मुक्का मारना या इस तरीके से कोई दवाई देना कि वो बेहोश हो जाए। क्या हो जाए? बेहोश हो जाए, राइट? तो उसको बोलते हैं नॉक्ड आउट कोल्ड। तो बॉक्सर ने उसको ऐसा पावरफुल पंच मारा कि वो एकदम से धराशायी हो गया, बेहोश हो गया, राइट? तो यहाँ पे राइट तो इनकरेक्ट है। राइट लिखने वाला राइट भी नहीं होगा, पंच मारने से लिखने वाला राइट का भी कोई लेना देना नहीं है, राइट का भी कोई लेना देना। तो क्या आएगा? राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्कॉर्ड का हमें सिनोनिम यहाँ पे फिल करना है। द थंडरस अप्लॉज डैश थ्रू द स्टेडियम, एक्कॉर्ड थ्रू द स्टेडियम, यानी कि गूंज रही थी। एक्को का मतलब क्या होता है? गूंजना। तो रिवर्बरेटेड का मतलब भी गूंजना ही होता है, बाउंस का मतलब होता है किसी का उछाल उछलना, ठीक है? आप किसी बेड के ऊपर, स्प्रिंग बेड के ऊपर, बेड बॉक्स के ऊपर जंप कर रहे हैं तो आप उछल रहे हैं, राइट? या ट्रैम्पलिन के ऊपर आप जंप कर रहे हैं। पल्स्ड, पल्स का मतलब होता है धड़कना। रिकॉइल्ड का मतलब होता है घबरा जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिवर्बरेटेड इज करेक्ट। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप। क्या मैं तुम सब लोगों को ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि तुम सब खड़े हो जाओ, ठीक है? यानी कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग खड़े हो जाइए, राइट? तो कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट क्यू के बजाय हम रिक्वेस्ट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्लीड भी लिख सकते हैं, यानी प्लीड मतलब भी विनती करना ही होता है। क्लेम मतलब दावा करना, रिक्वायर मतलब आवश्यक है, पटिशन मतलब कि निवेदन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्लीड इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।